रेशम कीट का जीवन चक्र। तो रेशम कीट का जीवन चक्र शुरू होता है किस हमारे ये मलबरी प्लांट में सहतूत के पेड़ से। सो सबसे पहले रेशम का कीट क्या करता है, सहतूत की पत्तियों पे अंडा देता है। अंडा देने के बाद उसके जो अंडे होते हैं ये इसकी जो जीवन प्रक्रिया होती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के जाने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो ये अंडा क्या करता है 4 से 6 हफ्ते तक खाता है, फिर ये अपने अंडे के ऊपर लार्वा मीन्स सफ़ेद रंग का एक आवरण जनरेट करता है, मतलब कवर जनरेट करता है। वो पिन वही सफ़ेद रंग का कवर क्या होता है बड़ा होके रेशम का रूप ले लेता है। फिर ये फट के क्या निकल जाता है, ये एक रेशम का कीट निकल जाता है। तो एक रेशम का कीट क्या करता है 100 से ज़्यादा अंडे दे सकता है। और रेशम का हम क्या प्रयोग कहाँ करते हैं, वस्त्रों को बनाने के लिए। वस्त्रों में क्या हम वस्त्र बनाते हैं, रेशमी साड़ियाँ बनाने के लिए, और ये इसका प्रयोग किया जाता है पैरासूट बनाने के लिए, और जो ऑपरेशन थिएटर में टाँके बनते हैं उसमें भी रेशम के धागे ही प्रयोग किए जाते हैं।